नमक, चीनी, घी, तेल, मैदा कम से कम खाना चाहिए। बंद नहीं करना, कम करने के बोला हूँ। चीनी की जगह पर गुड़ यूज़ करना, काला वाला, सफ़ेद गुड़ नहीं। रात के खाना सोने के 2 तास पहले, जब सोते हो इससे 2 घंटा पहले खाना होना चाहिए। आप कैसे सेट करना सेट करो, आपका टिफ़िन कैरियर कुछ भी रखो, थोड़ा थोड़ा खा लो, लेकिन आप रात बहुत देर तक खाने का सिस्टम नहीं है। एमरजेंसी कभी अलग बात, रात के खाना कम होना चाहिए। जब भी खाओ परमात्मा को अर्पण करो, शुद्ध भोजन खाओ। एक छोटा रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को, आप नहीं खाते मुझे पता है, जो नॉनवेज खाते हो उसको जा करके एक कान में बता दो, एक बात बता दो, नॉनवेज खाने वालों को बता दो, भैया ये खाना आपके लिए नहीं है, ये जानवर के लिए बना हुआ, मीट मछली अंडा इंसान के लिए नहीं है। आप अपना बच्चे को किसी को देते हैं खाने के लिए प्यार से? आपने कैसे खा सकते किसी को, जवान 1.5 इंच में नहीं है। इसलिए कोशिश करो ये छोड़ा दो। ये हो गए खान पान के। बिस्तर से उठते 2 ग्लास गर्म पानी पीना चाहिए। ये क्या करता है आपको, ये लार अंदर जाने से बहुत काम करेगा। ये हो गए खान पान के बारे में। अभी माउंट आबू छोड़ने से पहले 5 गोल्डन टिप्स। पहले है सवेरे कम से कम 5 बजे उठने का शुरू करो, 5 और 6 के पहले ठंडा पानी से मुंह धोले करो, 15 मिनट मेडिटेशन करो। हम 3-4 के बीच में उठते, हमारे दादी जानकी है, सी इज मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड। 103 साल उम्र में भी दादी 2-3 बजे उठते, कम से कम 5। इतिहास में जो महान व्यक्ति हो गए, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, बुद्ध, किसी को ले लो, वो जल्दी उठते थे। अब कम से कम 5 बजे उठो, इतना तो चेंज होके जाना। उठते ही पहले मुंह धोला किया, 10 मिनट मेडिटेशन करो। खाना खाने वक्त बोलना, हंसना, टीवी, चुगली, बात करना बंद, सारा दिन बोलो। कम से कम खाने वक्त तो शांति से कहो, इधर खाना, इधर टीवी, इधर भोजन, अरे एक करो ना, आराम से बैठो, खाओ, चबा के खाओ, ताकि जैसे खाएंगे वैसे इधर जाएगा। दांत तो यहाँ नहीं ना, इधर ही है ना, इसलिए। और रात को 10 बजे तक सोना, अगर ड्यूटी नहीं है तो, क्योंकि आप सब IT वाला है, मैं जानता हूँ आप बिजी रहते हैं, ठीक है, कोशिश कर लो जितना जल्दी सोते उतना फ़ायदे में, अगर नहीं है तो पॉसिबल है तो अलग चीज़ है। 9 बजे सोना हीरा है, 10 बजे सोना सोना है, 11 बजे लोहा है, समझ गए होगा, 12 बजे रात जरूरी काम है तो जाग सकते हैं, नहीं है तो कोई मना नहीं है। और सोने से पहले 5 साल का बच्चे बन जाओ, सब कुछ भूल जाओ, 5 साल की उम्र में आपका जिंदगी था वो याद करो, इसको बोलते हैं साउंड स्लीप। और चौथी उंगली है, दुनिया में सबसे सुखी इंसान कौन, जो बहुत सुंदर दिखती है, बहुत पैसे वाला नहीं है, जो मन को कंट्रोल करता है सुखी है। यहाँ से घर जाने का छोटा सा काम करो, कर सकते आप 24 घंटे में, आधा घंटा ओम शांति में जाना, नहीं तो बहन से मिलो, जिस बहन के नंबर ले लो, उसमें आपको रोज़ भगवान की मुरली भेजेंगे, रोज़ 15 मिनट की काम है। अब कितना भरपूर रहेगा, इतना अच्छा लगे आप बात मत पूछो, 6 महीने के अंदर स्वयं परमात्मा का मिलन हो जाएगा। और 5वीं उंगली है, दादी पर दादी जानकी हैं, कहते हैं शांतिवन में टोली मिलता है, प्रसाद देते ना, और ग्लोबल में गोली मिलेगा इधर, और जाकर पुणे सेंटर में जहाँ भी जाओ उसके बाद होली खेलना, टोली गोली होली, ये 5 गोली खाने से यवर हेल्दी रहेंगे। हम कहाँ ना कहाँ बीमार तो सभी हैं। पहले गोली के नाम धीरज, उतावल के भी नहीं करो। दूसरा गोली का नाम प्रेम, मम्मी को कितने प्यार करते हैं देखो, कितना प्यार करते मुस्कुरा रहे। तीसरा गोली का नाम शांति, आपका चेहरे में गुलाब का फूल, क्या नाम आपकी, खुशबू, लोग बोलना चाह रहे वो खुशबू हमेशा हंसती रहते, बोला ऐसा बोला, मोहल्ले में आपका नाम लेना चाहिए, ऑफिस में जहाँ काम करते लोग ऐसा देना चाहिए। चौथा गोली का नाम है खुशी, ये भी नहीं लाए थे और ये भी नहीं लाए थे, काय को टेंशन लेने का। इतिहास में राजाओं का नाम देखा आपने, शिवाजी था पुणे में, पुणे से लेकर के बड़ौदा तक जीता था, कुछ नहीं मिला, जाने वक्त खाली गए, तो आप भी कुम ले जाने वाला है, 2 रोटी मिला, खाए मस्त रहो। और 5वां गोली के नाम है संतुष्टता, तो आप सभी का नाम चेंज हो जाएगा। बहनों के नाम, माताओं के नाम खुशी रखेंगे, भाइयों के नाम प्रेम, कुमारियों का नाम शांति, कुमारों का नाम संतुष्टता। और 4 फैक्ट्री घर में होना चाहिए, खूब इनकम आएगा। यहाँ बर्फ का फैक्ट्री, तुंडवर साकर फैक्ट्री, मीठा बोलना गुड़गुड़, हाँ बोला तिल गुल गया गुड़गुड़, बोला एक दिन थोड़ी बोलना, हमेशा के लिए बोलना। और दिल में प्यार का फैक्ट्री, सभी को प्यार करो, प्यार कैसे करना, भगवान इसका भला हो जाए। और 4th फैक्ट्री पावर फैक्ट्री, जिंदगी बनता है सेटिस्फैक्ट्री, 4 खोलना 5वां खुल जाएगा। लास्ट में परमात्मा ने आपको 5 हाथ दिया है, रोज यूज करो, पहले देने का सोचो। गरीब बच्चों को खाना जरूर खिलाना, आपका जन्मदिन आता है बच्चों को खाना खिलाना, रुपया दान नहीं करना, कपड़ा दान कर सकते। दूसरे हाथ अपने आप को देखो, परमात्मा को देखो, सारा जिंदगी दूसरों को देख ले, कुछ नहीं मिला अपने को देखने का डालना। तीसरा बहता हुआ पानी बनो, वाह तो पानी, किसी ने कुछ बोला छोड़ो जाने दो, इसको हम फ्री रखो, तब शांत रहेगा जीवन में, खुशी मिलेगा। चौथी लक्ष्मी का हाथ, हम सब देव कुल की है, ना मराठी है ना सिंधी है, नहीं हम भगवान के बच्चे सब। और 5वीं हाथ वरदान के हाथ, 6 महीने के अंदर स्वयं परमात्मा मिल जाएंगे। मैं यहाँ 28 साल से सेवा देता हूँ, 32 साल से जुड़ा हूँ ब्रह्मा कुमारी से, कर्नाटक से है, यहाँ समर्पित है, नाम शिवानंद है, खूब दिया भगवान ने मुझे, आपको भी देगा, एक बार मुस्कुराओ ना।